मंजू देवी चित्रानंद यादव नहीं कहो भैंसुर माने मंजू देवी जिंदाबाद। मेरा नाम राजकुमार यादव उर्फ चित्रानंद यादव हुए। मेरा कैंडिडेट का नाम है मंजू देवी। किस मुद्दा को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? हमने जनता और मेरा भाग संख्या 10 है, जो कि 10 में महिला कैंडिडेट का ही जिला परिषद। मैं जा रहा हूं कि मेरे सारे भाग संख्या 10 का जो इस क्षेत्र का गरीब गुरबा है उसका मैं काम करूंगा, और इस क्षेत्र में बहुत सा अधूरा काम है उसका मैं पूरा करूंगा। इस क्षेत्र की जनता का अभी तक क्या काम किया कि जनता आपको वोट करे? हमने बहुत जनताओं को आज 30 वर्ष सेवा कर रहे हैं जनता के इस बीच में से। क्या कार्य कराया आपने उदाहरण को? क्या कार्य कराए समाज के लिए आप? समाज के लिए मैं बहुत सा वृद्धा पेंशन कराए, लोगों का सिंचाई का काम कराए, और लोगों का मैंने जहाँ जैसे कि विभाग स्वास्थ्य विभाग में लोगों का मदद किए, और जनता के साथ अभी तक मैं जुड़े रहे। इसलिए आप वोट मांग रहे हैं? जी। कोविड काल 2 साल चला है, उस दरमियान आपने क्या सेवा की है क्षेत्र की जनता के? हर जनता के साथ हमने गए, और जहाँ तक जो हुआ उतना लोगों के साथ मदद किए। उस समय तो सब आपका बेरोजगार ज़्यादा हो गया था, काम भी बंद था, उस दरमियान आपने क्या मदद किया? उसने हमारे पार्टी से लोगों को जो भी अनाज मिलता था सबों को मैंने अपने घर घर पहुँचाया। वर्तमान जिला परिषद का कार्यकाल कैसा रहा अभी तक? उसका कार्यकाल जो रहा सो पता ही नहीं चलता है इस धरती पर क्या हुआ या नहीं हुआ, सो निपुण माना जाए उसको। अगर जनता आपको आशीर्वाद मिलता है, इस क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद दे, तो सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होगा? मैं सर्वप्रथम सभी कार्य मतदाताओं का आशीर्वाद लूँगा, और जो भी लोगों का सुख दुख में काम होगा उसके साथ रहूँगा, और जैसे विकास की मुद्दा पर कुआं हो, तालाब हो, रोड हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये सब समस्याओं को मैंने दूर करूँगा। कृषि आधारित क्षेत्र है आपका जिला परिषद, तो इसके लिए आप क्या कार्य करना चाहेंगे? कृषि पर आप क्या कार्य करना चाहेंगे? कृषि पर मैंने जैसे अब आप किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, मैं बीजेपी का किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, आप क्या कार्य किए हैं अभी तक? मैं पूरे जिला में हर किसान का संगठन बनाए थे, और हर जगह लोगों के साथ जुड़ करके बीज खाद का मैंने सही रेट सही दाम पर दिलाए, और जहाँ तक नहीं मिला वहाँ मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना कि सभी जनता हमें वोट बहुत अच्छे तरीक़े से देने जा रहे हैं। पूरे भाग संख्या 10 का मतदाता मेरे साथ जुझे हुए हैं वोट देने के लिए। बहुत सा यहाँ लोग खरीद बिक्री करने वाले भी आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई जनता टूट नहीं रहे हैं, मेरे साथ सब जुटे हुए हैं। सभी जनता से नम्र निवेदन करके अपना पक्ष में भाग संख्या 10 के क्रमांक संख्या 1 में एयर कंडीशन एसी छाप में मोहर लगाने का आग्रह करता हूँ। क्या नाम है और किस गांव से आप हैं? मेरा नाम सरिता देवी है, चमरदेवला से। अच्छा, इस बार पंचायत चुनाव में किसको मौका देने जा रहे हैं? मंजू देवी को। क्यों, समाज के लिए क्या किया है? अभी तो कुछ नहीं किया है, शुरुआत है, नया है, इसीलिए इसी को इसी बार देखते हैं, इसी को रखेंगे। अच्छा, इसलिए मौका दे रहे हैं। हाँ, और नाम बोलो अपना बस, और गांव ना हो। हमारी अपन ना। हाँ, हमारे मुंगिया देवी। गांव कौन गांव बोलो? पोखरिया। अच्छा, अभी मौका ककरा दे रहे हो? मंजू देवी। अच्छा, हाँ, नाम बोलिए और किस गांव से है? पोखरिया। नाम बोलिए। अंजनी देवी।
अच्छा तो अभी किसको मौका दे रहे हैं इस बार जिला परिषद? मंजू देवी चित्रानंद यादव ने कहो भैंसुर माने छी। अच्छा, इसको मौका देने जा रहे हैं? हाँ। क्या नाम हुआ और किस गांव से हैं? पोखरिया, हमर नाम मुल्की देवी। हाँ, तबरी पंचायत चुनाव में जिला परिषद में ककरा मौका दे रहे? मंजू देवी। मंजू देवी चित्रानंद यादव। चतुरानंद यादव। अच्छा।